सक्सेस के बाद अब मेकर्स तैयारी कर रहे हैं गदर 3 की। जी हां, सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है। फिल्म ने 2 दिनों में 80 करोड़ से ऊपर का भी कलेक्शन कर लिया है और अब फिल्म जल्दी ही 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल होने वाली है। इसी बीच खबर आ रही है कि मेकर्स ने अब गदर 3 बनाने का फैसला कर लिया है। गदर 2 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। 2001 में ब्लॉकबस्टर रही फिल्म गदर के सीक्वल को बनाने में 22 साल का वक्त लग गया और अब फिल्म में अहम रोल निभा रहे उत्कर्ष शर्मा ने इस तरफ इशारा किया है कि मेकर्स जल्दी ही गदर 3 भी बनाएंगे। गदर 2 के मेकर्स अनिल शर्मा के मुताबिक फिल्म उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कामयाब रही है। सनी देओल सिर्फ तारा सिंह के तौर पर नहीं लौटे बल्कि उन्होंने गदर 2 के साथ इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद एक्शन हीरो के तौर पर भी खुद को साबित कर दिया है। वहीं अनिल शर्मा के बेटे और एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने बताया कि राइटर ने मजाकिया अंदाज में उनसे गदर 3 को लेकर बात की थी। उत्कर्ष शर्मा ने कहा कि राइटर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गदर 3 में जीते के बच्चे हो सकते हैं। हालांकि उत्कर्ष ने काफी सीरियस होकर इस बात पर सहमति जाहिर की और कहा कि राइटर के पास गदर 3 के लिए आइडिया है और इसलिए फिल्म बन सकती है। बता दें कि अब जल्दी ही गदर 2 के बाद गदर 3 की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, गदर 2 की एंडिंग में भी 2 बी कंटिन्यूड लिखा गया था जिससे कि साफ हो गया कि गदर 3 आएगी ही आएगी। तो इसी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को एक फ्रेंचाइजी भी बता डाला है, यानी कि गदर 2 के बाद गदर 3 आना तो तय है लेकिन इसके अलावा भी कई सारी और फिल्में आने वाली हैं। जी हाँ, यानी कि सिलसिला बरकरार रहेगा। वेल, आप कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, गदर 2 आपको कैसी लगी और गदर 3 को लेकर आपकी क्या राय है।